तो अब अगर आपको नोटिफिकेशन पाने हैं अपने कंप्यूटर पे, और चाहते हैं या बीच में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उससे डिस्टर्बेंस होते हैं, हमें बार बार अपना फ़ोन देखना पड़ता है, और ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जिससे कि हमें अपना फ़ोन बार बार ना देखना पड़े और सिंपली हम अपने फ़ोन को और अपने पीसी को लिंक कर लें और सारी नोटिफिकेशन वगैरह हैं, जो मैसेजेस वगैरह हैं, सारे हमें वहाँ देखने को मिल जाए, तो उसके लिए आपको योर फोन कंपेनियन नाम की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को मैं पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर चुका हूँ और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो कम्प्लीटली सेफ़ है। आपके पीसीज भी विंडोज़ पे जो चलते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं, तो वो भी वहाँ पे सब कुछ सेफ है। आप जब इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आने से पहले एक इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप क्या QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करें और अपने पीसी पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी पे। अगर माइक्रोसॉफ्ट आईडी नहीं है तो आप एक बना लें और सेम आईडी से ही आप चाहें तो अपने फ़ोन पे भी साइन इन कर सकते हैं, पर QR कोड के थ्रू कर लें तो सीमलेस रहेगा, जैसे मैंने किया था यहाँ पे QR कोड के थ्रू। तो यहाँ पे सब कुछ हमें चीज़ें अब यहाँ देखने को मिल गई हैं। अब जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती हैं वो सारे मेरे पीसीस पे आ रही हैं। अब आगे की काम मैं आपको अपने पीसी पे दिखाता हूँ। अब योर फोन कंपेनियन जब आप अपने फोन में इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है योर फोन। तो आपको ये ऐप नजर आ जाएगी, इस ऐप को आप ओपन करेंगे आपके सिस्टम में पहले ही इंस्टॉल होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पहले साइन इन पूछेगा। साइन इन करने के बाद ये आपके फोन को बताएगा कि भाई आप QR कोड स्कैन करना चाहते हो, यहाँ पे एक QR कोड को एस्टेब्लिश कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक QR कोड को शो कर देगा। QR कोड को स्कैन करिए और आपके फोन के साथ ये लिंक हो जाएगा नोटिफिकेशन के लिए। आपके फोन में पहले परमिशन मांगेगा, उसको इनेबल करें और जो भी नोटिफिकेशन होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर मैसेजेस चाहते हो तो मैसेज भी दिखा देता हूँ, मैसेज भी यहाँ पे सारे पढ़ लेगा। आपके फोन में जितने भी मैसेज है वो सारे यहाँ पे दिखा देगा, फोटोज भी। तो जब आप फोटोज पे क्लिक करेंगे तो फोटोज में भी आपके जितने फोन में जितने भी फोटोज होंगी 2000 के आसपास की, वो सारी यहाँ पे शोकेस कर देगा, जिसको आप ओपन करके भी आराम से यहीं पे देख सकते हैं। और आगे पीछे सेव करना सेव भी कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हैं। सब कुछ बिना फोन को अपने टच किए हुए आपके फोन के साथ ही साइमल्टेनियसली लिंक हो जाएगा, जिसको आप पे यूज कर सकते हैं। कॉल्स वाले फीचर्स में मैं अभी भी कहूंगा थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है कॉल्स के लिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉल यहाँ से नहीं ले पा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भी कॉल्स वाले फीचर तो थोड़ा सा कमजोर है। और यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले करना चाहते हैं कॉल्स का, तो वो उसके लिए भी परमिशन लेके आप सारे कॉल्स को यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लस ये बैटरी में कितना है आपके फोन में परसेंटेज, वो भी यहाँ शो करेगा, जो कि अभी मेरे फोन में 94% दिखा रहा है। फोन का मॉडल नंबर अभी भी थोड़ा सा गायब है तो वो शो नहीं कर रहा, पर फिर भी एक उन्होंने सीरियल नंबर दिखा रखा है। प्लस इस एप्स में जो आप विंडोज में यूज कर रहे हैं थोड़े थोड़े से बग्स हैं, टाइम टू टाइम ये क्रैश करता रहता है, बार बार इसे ऑन करना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में ये ऐप थोड़ा बहुत ठीक काम करने लगे। फिलहाल तो बस यही है, बाकी आप इसको ऐप को टास्क बार पे पिन भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में और भी चीज़ें देखिए, अगेन ही अगेन से यहाँ से क्रैश करके जैसे मैं बात कर रहा था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।